हेलो, वेलकम टू माय चैनल रूट नोट। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाइथन के अंदर हम किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब टेबल के आकार में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं सिंपली पाई टेबल, कुछ भी नाम दे सकते हो। और फिर इस फोल्डर को ओपन करके हम इसको VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो मेरा फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो गया। अब इसको एक इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं main.py। तो आप देख सकते हो हमारा फाइल क्रिएट हो गया है। तो आप हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल के अंदर जाके न्यू टर्मिनल करना है। तो इधर हमारा पावर सेल ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं इधर हमारा फोल्डर का और फाइल का पाथ आ गया। तो हमें इधर एक सिंपली एक कमांड देकर एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे pip install pretty table, और ध्यान रहे ये pretty table जो है पूरा का पूरा स्मॉल में ही होना चाहिए, वरना ये इंस्टॉल नहीं होगा। फिर इसको एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए हम मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी 3.10.0 वर्सन ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये इसका लेटेस्ट वर्सन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को दे सकते हो pip install pretty table। तो फिलहाल इसको आप डिलीट कर देते हैं। अब कोड लिखते हैं। पहले हमें pretty table को इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमारे कोड के अंदर। उसके लिए हम लिखेंगे from pretty table import pretty table। ध्यान रहे पहला वाला जो pretty table है और पूरा का पूरा स्मॉल में होगा, और दूसरा वाला जो pretty table है वो एक पहला जो कैरेक्टर है और टेबल के अंदर जो पहला कैरेक्टर है वो दो कैपिटल हो गए, बाकी सब स्मॉल हो गए, वरना ये काम नहीं करेगा। आप इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं माई टेबल। माई टेबल के नाम से वेरिएबल बना लिया। आप इसके अंदर हम फंक्शन एक पास करेंगे प्रिटी टेबल, और pretty table के अंदर जो जो पैरामीटर हम देंगे वो पैरामीटर टेबल के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट जाएंगे। जिन जिन लोगों ने थोड़ा सा भी डेटाबेस के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, एट्रीब्यूट किस लिए हम देते हैं टेबल के अंदर, ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो। तो इसके अंदर फिलहाल मैं 3 देता हूँ, आईडी और मार्क्स। तो के लिए तीन एट्रीब्यूट ही काफ़ी है लोगों को समझाने के लिए। फिर हम इसके अंदर एक मेथड देंगे माई टेबल डॉट एड रो। एड रो एक मेथड है जो हमको मिलता है प्रीटी टेबल के अंदर। इसके इस्तेमाल से हम किसी भी टेबल के अंदर एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इधर हम जो वैल्यू देंगे वो अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर हम पहले में कुछ और दे देंगे, और इधर मैंने 3 एट्रीब्यूट पास किया और हम इधर अगर 2 दे देंगे या 4 दे देंगे तो ये काम नहीं करेगा, एक एरर देगा। इसीलिए इधर जितना एट्रीब्यूट हमने दिया है उतना ही हमें इधर वैल्यू देना होगा, उससे एक कम भी नहीं उससे एक ज़्यादा भी। तो पहले हम देते हैं आईडी के अंदर, और एक बार ये एड रो के अंदर जो भी डेटा जाएगा वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में ही जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो पहला है आईडी, आईडी के अंदर 1 देते हैं। फिर एक नेम देते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं फिलहाल देता हूँ जॉन। और इसका मार्क्स होता है कुछ भी मार्क्स होता है 100 देता हूँ। और आप इधर जितने चाहे रो इंसर्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको ही कॉपी कर लेता हूँ
और आईडी को हम चेंज कर देंगे। आप अपने हिसाब से कितने भी एट्रीब्यूट दे सकते हो, कितने भी वैल्यू दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। इधर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 100 से ज़्यादा नहीं दे सकते, कि 1000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। आप अपने हिसाब से जितने भी चाहे आप दे सकते हो। तो ये हमने फिल कर लिया। अब नेम, मार्क्स आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेना। मैं आपको समझाने के लिए बस इसको ही कॉपी करके दिखा देता हूँ। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देते हैं माई टेबल को। अब कोड देख सकते हैं, ये पूरा कोड। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हो इधर हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, फिलहाल एक एरर मिल गया है। और एरर ये बेसिकली जो है टाइप एरर है, और क्यों आया है अभी बता देता हूँ आपको। तो इधर आपने जो देखा, ये लिस्ट की फॉर्मेट में हमारे वैल्यूज को लेता है। तो हमें एट्रीब्यूट्स को भी लिस्ट के अंदर ही देना होगा। तो एट्रीब्यूट्स को हम लिस्ट के अंदर, तो देख सकते हैं हमने एट्रीब्यूट्स को लिस्ट के अंदर दे दिया। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग, पूरा का पूरा डेटा जो भी मैंने इधर फिल किया, जो भी पूरा ये जो भी मैंने फिल किया है, पूरा का पूरा डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को आप टेबल के फॉर्मेट में ला सकते हो बाय पीटी टेबल। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो, तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जो जो पाइथन सीख रहे हैं या कॉलेज के अंदर पाइथन का कोर्स कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।